राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर हम आपके लिए नई वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में आपको मंदिर की छत की बीम को लेकर सबसे ताजा अपडेट देंगे, साथ ही आपको मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम मंदिर के निर्माण का अगला चरण अब इसकी छत की बीम डालने के साथ शुरू हो चुका है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा बीम पिलर्स के ऊपर रखी जा चुकी हैं। इसके पहले 166 पिलर्स 20 फीट ऊंचे खड़े हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बीम के सेट करने की फोटो रिलीज की है। उन्होंने बताया है कि मंदिर का निर्माण अब बहुत तेजी से हो रहा है। नृत्य मंडप और रंग मंडप का निर्माण भी पूरा हो रहा है। सिंह द्वार के दोनों तरफ सीढ़ियों के निर्माण के साथ लिफ्ट भी लगेगी। मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांगों को दर्शन करवाने के लिए भी सुलभ व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा मार्ग का निर्माण मंदिर के परकोटा के क्षेत्र में किया जा रहा है। गर्भगृह के कपाट को स्वर्ण जड़ित किया जा रहा है। प्रवेश द्वार की 32 सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है। गर्भगृह का परिक्रमा मार्ग का भी निर्माण हो चुका है, जिस पर केवल मंदिर के पुजारी ही परिक्रमा करेंगे। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक मंदिर के सिंह द्वार से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे, जो बन गया है। रामलला और अन्य 13 मूर्तियों का निर्माण भी अप्रैल में शुरू हो जाएगा। मूर्ति विशेषज्ञ नेपाल, ओडिशा, कर्नाटक और राजस्थान से लाई गई शिलाओं से गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली रामलला और अन्य देवी देवताओं के विग्रह को तराशेंगे। राम मंदिर की छत के करीब 200 बीम की नक्काशी का काम भी हो चुका है। बीम की तराशी राम सेवकपुरम और राम घाट स्थित कार्यशाला में हो रही है। जो पत्थर तराशे जा चुके हैं उन्हें राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया जा चुका है। भूतल के खंभों पर रखी जा रही बीम के पत्थरों में बहुत बारीक और सुंदर सी नक्काशी की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में ये कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। अक्टूबर तक ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरा करना है। मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों का निर्माण कार्य भी महाराष्ट्र में प्रगति पर है। टीक लकड़ी खरीदी गई है, जिसकी कटिंग कर मशीन से सुखाने के बाद इस पर नक्काशी का काम शुरू होगा। राम मंदिर के भूतल पर जितनी बीम लगनी है वो सब नक्काशी करने के बाद मंदिर निर्माण स्थल पर लाई जा चुकी हैं। बीम का काम पूरा होने के बाद मंदिर के भूतल की छत का निर्माण शुरू होगा, जिसे जून जुलाई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।